जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर किसी भी देश की साख को अगर नुकसान पहुंचाना है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है, और शायद इसी फिराक में कामयाब हो गया लगता है चीनी ड्रैगन। एक और सोची समझी व्यू रचना की है चीनी ड्रैगन ने, और इस बार ये व्यू रचना ज़मीन पर नहीं बल्कि समुद्र की सतह पर की गई है। सवाल ये है कि 370 को ख़त्म करने और 35A को कश्मीर से नस्त नाबूद कर देने वाली मोदी सरकार का अब ज़्यादातर रुख घाटी में अमन चैन स्थापित करने में होगा, पाकिस्तान के मूव्स को, पाकिस्तान के नापाक पैतरों को विफल करने की ओर होगा। ऐसे में क्या मोदी और मोदी सरकार सामना कर पाएगी चीन के बेहद ही खुफिया और बहुत ही खतरनाक अप्रोच भारत के व्यापार को बाधित करने की? याद रखिए, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा, किसी भी देश की अगर साख को नुकसान पहुंचाना है तो उसे आर्थिक चोट दी जाती है। एक देश जो व्यापार अपने देश के अंदर करता है उसे देश की अर्थव्यवस्था को लाभ तो मिलता है, लेकिन किसी भी देश को तब ज़्यादा लाभ होता है जब उस देश का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात ग्रो करता है, वृद्धि करता है। ओवरसीज मार्केट में भारत की दखल बढ़ानी एक की फैक्टर है भारत को डेवलप्ड कंट्री के रेस में शामिल करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माल भारत से बाहर के देशों में हवाई जहाज़ के माध्यम से उतनी अधिक मात्रा में नहीं भेजा जा सकता जितनी मात्रा में समुद्री जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और यही मार्क करने की प्लानिंग है चीनी ड्रैगन की। बात है 12 जुलाई 2017 की, जब चीन ने अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने के लिए अपना एक युद्ध पोत अफ्रीका के देश जिबूती के लिए रवाना किया था। चीन की इस गतिविधि से पता चलता है कि चीन भारत के पड़ोसी देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाकर समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है। चीन के इन्हीं मिलिट्री बेसों को स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि क्या मोदी के पास जवाब है चीन के इस व्यूहरचना स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट की? विस्तार से जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जिक्र 2005 में पेंटागन ने एशिया में ऊर्जा का भविष्य नाम की एक खुफिया रिपोर्ट में किया था। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन द्वारा समुद्र में तैयार की जा रही स्ट्रिंग ऑफ पल्स का विस्तृत विवरण दिया गया था। ये समुद्र में पाए जाने वाले मोती नहीं बल्कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर मलक्का संधि, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी पूरे हिंद महासागर में सामूहिक ठिकाने, बंदरगाह, हवाई पट्टी और निगरानी तंत्र इत्यादि स्थापित करना था। हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया था कि चीन ये ठिकाने, ऊर्जा स्रोत और समुद्र में अपने तेल से भरे जहाज़ों के आवागमन की सुरक्षा के लिए बना रहा है, लेकिन पूरा सच ये है कि ज़रूरत पड़ने पर इन सामूहिक ठिकानों का सैन्य ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है चीन। इन खाड़ियों के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में ग्वादर और कराची बंदरगाह में मिलिट्री बेस, श्रीलंका के नए पोर्ट हम्बन टोटा में आर्मी फैसिलिटी के साथ साथ बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के यांगून बंदरगाह पर मिलिट्री बेस की स्थापना को भी गिना जाता है। आइए अब इस प्रोजेक्ट के मोतियों को एक एक करके जानते हैं। नंबर एक, पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी कि CPPC समझौते के अंदर एक मिलिट्री बेस बनाया है। इस बेस के माध्यम से चीन भारत को पश्चिमी मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। नंबर दो, श्रीलंका। चीन ने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट से हिंद महासागर में अपने नौसैनिक गतिविधियों के संचालन की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि हम्बन टोटा पोर्ट को विकसित करने के लिए श्रीलंका ने सबसे पहले भारत से आग्रह किया था, लेकिन इससे पहले कि भारत तैयार होता, चीन ने श्रीलंका को एक ज़रूरी मदद करने की पेशकश कर डाली और अपने चाल में कामयाब भी हो गया। और उन बंदरगाहों पर हाल ही में चीन की पनडुब्बियों को भी देखा गया है। साफ है कि भले ही चीन ये कहे कि वो दूसरे देशों में बंदरगाह व्यापारिक दृष्टिकोण से तैयार कर रहा है, लेकिन श्रीलंका में उसकी पनडुब्बियों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि व्यापारिक बंदरगाहों को ज़रूरत पड़ने पर सैन्य बंदरगाहों में भी बदला जा सकता है। बांग्लादेश। चीन ने भारत के एक दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर अपने लिए एक कंटेनर पोर्ट तैयार किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से दो पनडुब्बियां खरीदने की घोषणा की है।
साथ ही चीन बांग्लादेश के साथ अपने राजनीतिक संबंध मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है, उसको हर तरह की मदद भी दे रहा है और बांग्लादेश फंसता जा रहा है चीन की इस चाल में। म्यांमार, चीन भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए और भारत के पड़ोसी देशों की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए म्यांमार के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों में लगातार वृद्धि कर रहा है और वो म्यांमार के यांगून बेस पर भी अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। चीन अपने मिलिट्री बेस मालदीव्स पर भी स्थापित कर रहा है। नंबर 3, जिबूती में नौसैनिक बेस। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला नौसैनिक बेस बनाने के लिए अपना युद्धपोत जुलाई 2017 को भेजा था। केवल 8 लाख की जनसंख्या वाला जिबूती भारत के दाहिने हाथ पर अरब सागर के किनारे स्थित है। इस जगह पर नौसैनिक अड्डा बनाने के बाद चीन की अरब सागर में पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। फ्रांस, अमेरिका और जापान ने पहले से ही अपने नौसैनिक अड्डे जिबूती में बना रखे हैं। इसमें चीन का नौसैनिक अड्डा अमेरिका के नौसैनिक अड्डे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। चीन किराए के तौर पर जिबूती बेस के लिए $20 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करता है। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम। सारांश के लिए कहा जा सकता है कि चीन पूरे दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है और इस वर्चस्व को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो है भारत। यही कारण है कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट का सहारा ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हिंद महासागर में भारत से सीधी टक्कर लेने का मतलब है मौत। इस प्रोजेक्ट की जरूरत चाइना को इसलिए भी पड़ी क्योंकि जब सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तब पाकिस्तान ने चीन से मदद मांगी थी और भारत ने सीधे तौर पर चीन को यह धमकी दी थी कि अगर वो पाकिस्तान की मदद करेगा तो वो चाइना मिडल ईस्ट ऑयल इंपोर्ट रूट को बैन कर देगा, जहां से चाइना का 90% से भी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है। और अगर चाइना में अगर ऑयल इंपोर्ट नहीं होगा तो वहां सब कुछ रुक जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, पूरी इकोनॉमी रुक जाएगी। इस वजह से चाइना को द स्ट्रिंग ऑफ पल्स प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत भी पड़ी। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चीन अपने इन मंसूबों में कामयाब हो पाता है या मोदी सरकार अपनी चालों से इस चीनी ड्रैगन के मंसूबों को ख़त्म कर देती है। वैसे आपको बता दें कि कुछ इसी तरह अमेरिका ने भी बढ़त हासिल की थी पूरे विश्व के देशों के विरुद्ध। पहले अमेरिका ने अपने पूरे देश में आर्थिक स्फूर्ति लाई, आर्थिक वृद्धि लाई, आर्थिक तेजी लाई, अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व बनाया, मैच्योर बनाया, कॉमर्शियली भी और इकोनॉमिकली भी। उसके बाद अमेरिका ने शुरुआत की अपने द्वारा कमाए गए इन डॉलर्स को सेना में बढ़ोतरी करने के लिए, सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए, सैन्य बेसों को स्टैब्लिश करने के लिए, नौसैनिक, हवाई और ज़मीनी हर तरह से अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। और अब यही काम चीन कर रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि चीन दूसरी विश्व शक्ति बनने वाला है, बल्कि है। और अब चीन ने जो पैसे कमाए हैं अब वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी सेना को और भी अधिक प्रबल कर रहा है। इस बात को कोई भी दुनिया में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब भारत के पास बहुत ही छोटा सा विंडो बचा हुआ है, अब भारत के पास एक बहुत ही छोटी सी खिड़की बची हुई है। अगर भारत अभी इसी वक्त सही रिफॉर्म्स नहीं लाता है अपने इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स पर तो शायद भारत हमेशा के लिए पिछड़ जाएगा चीन से। अब इस मुद्दे को किस तरह से मोदी जी या मोदी सरकार हैंडल करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप लोगों के हिसाब से चीन के इस पैतरे को, चीन के इस चक्रव्यूह को किस तरह से घेरा जा सकता है? आप सब भी एक जिम्मेदार नागरिक है भारत के और हो सकता है कि आप सबके पास भी कोई एक अच्छी योजना हो तो बिल्कुल बेझिझक अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद।